एसएसपी कार्यालय में गोपनीय सूचना देने के लिए एक यूनिट को स्थापित किया जा रहा है, जसके संबंध में एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि पीआरओ सेल से जुड़ी हुई एक स्पेशल यूनिट चालू किया जा रहा है, जिसकी तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो पुलिस की मदद करना चाहते हैं तथा गोपनीय सूचना देना चाहते हैं और अपना नाम सामने नहीं लाना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल यूनिट काम करेगी, जिसके लिए 4 नंबर जारी किया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखा जाएगा। यह यूनिट ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो देश हित में सेवा करना चाहते हैं, वो अपराधियों के गतिविधियों की सूचना देकर पुलिस की मदद कर सकेंगे। एसएसपी ने बताया कि सूचना देने वाले नागरिकों को उचित इनाम भी दिया जाएगा एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। वह व्यक्ति अगर अपना नाम गोपनीय रखना चाहता है कि नहीं, यह उनके ऊपर निर्भर करता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, पीआरओ सेल से जुड़ी हुई एक स्पेशल यूनिट हम लोग चालू कर रहे हैं, जिसमें अभी तैयारी स्थिति में है। अब चालू होने का वो यूनिट जो गोपनीय सूचना जो देना चाहते हैं पुलिस को, बट अपना पहचान गोपनीय रखना चाहते हैं, उनके लिए अलग से हम व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे कि 3 से 4 नंबर हम जारी करेंगे। जो भी उसको कॉल करके जो गोपनीय सूचना देना चाहे वो उस पर दे सकते हैं, और उसकी जो पहचान जो है गोपनीय रखा जाएगा, वो यूनिट सिर्फ एसएसपी को रिपोर्ट करेगा। जी सर, फरियादी को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, मैं पुनः आपको कह रहा हूँ, इसमें फरियादी का चीज़ ही नहीं है। फरियादी के लिए ऑनलाइन जो घर बैठे अपने एप्लीकेशन भेज सकते हो, तो पहले से चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर जारी कर चुके हैं, वो तो है ही है। एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो डेस्क चालू किया जा रहा है, जिसमें से वो सामने आना नहीं चाहता है, वो फरियादी नहीं बनना चाहता है, बट उसका देश हित में समाज हित में कुछ ऐसे सूचना देना चाहेगा कि भाई कहीं कोई अवैध काम हो रहा हो, कहीं कोई थाने में सुनवाई नहीं हो रही हो, जिसे हमारे संज्ञान में डायरेक्ट में आने चाहिए, बट थाने के सामने भी नहीं जाना चाहता हो, ऐसे लोगों के लिए। देखिए, वो पुरस्कार 100% दिया जाएगा अगर वो ऐसे सूचना देंगे, बट वो उस जो बंदे के ऊपर निर्भर करता है कि वो सामने लाइट में आना चाहता है कि नहीं। पुरस्कार तो वैसे भी दिया जाएगा। जी।